शिकार करो क्रूरता को, दुष्ट कर्मों को, अमानुषता को, गुंडागर्दी को, तुम छोड़ो मत, शिकार करो, शिकार करो। जेल के रिक्रिएशन हॉल में जो फंक्शन हो रहा था वहां से 11 कैदी भाग गए हैं। कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करो। हेलो सर, जो कैदी भागे हैं उन्हें शहर के बाहर ईंट के भट्टे की तरह भागते हुए देखा है। जेलर धर्मा कहाँ है? जेलर धर्मा कहाँ है? अंत कर दो दुष्टाचार का, अत्याचारों का, अमानुषता का, अन्याय करने वालों का, राक्षस बने मानवों का, भस्मासुर बन के अत्याचार करने वाले दैत्यों का, हिंसा करने वालों का, हिला दो, झुका दो, गिरा दो, खत्म कर दो। इन असुरों का तू असुर बन के शिकार कर। मेरी जेल से भागना चाहते हो? कितनी दूर जाओगे? Ha ha ha.
कर ले तू वीर है, असुरा असुरा हिम्मत तुझ में ही बसी वीरा, असुरा असुरा मार बाबियों को भगाया, मार दुष्टों को तूने भगाया, तुझसे जो टकराया उनको मार मार के तूने भगाया, न्याय के खातिर लड़ने वाला, जुल्मों का अंत करने वाला, चोर डाकुओं का विनाशी हिम्मत वीर है, कर ले तू वीर है, शिकार कर ले असुरा दुष्टों को मार दे असुरा, शिकार कर ले असुरा दुष्टों को मार दे असुरा। पापों का अंत सूरा, गलतियां माफ करने वाले धर्मात्मा हो तुम, मुश्किलों से टक्कर लेने वाले त्रिनेत्रधारी, आंखों में चिंगारी आग बबूला तुम हो जाते, वीरा हो तुम वीरा 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 वीरा, अलग करने में पीछे हटते नहीं, बुराई को तुम कहीं देखते नहीं, न्याय को तुम अपनाने वाले, अन्याय का खात्मा करने वाले, मार बाबियों को भगाया, मार दुष्टों को तूने भगाया, तुझसे जो टकराया उनको मार मार के तूने भगाया, न्याय के खातिर लड़ने वाला, जुल्मों का अंत करने वाला, चोर डाकुओं का विनाशी हिम्मत वीर है, युद्ध कर ले तू वीर है, युद्ध कर सुबह से अब तक 3 वक्त का खाना हमने इन लोगों को दिया और संडे का दिन को सीख लेंगे सोच के इनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और उन्होंने भागने का प्लान बना लिया। सर ये नहीं बदलेंगे। बदलना इतना आसान नहीं है। जेल में आने वाले दोषियों को हम बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छा बनने के लिए 4 दीवारें काफी नहीं होती। 4 भले लोगों के बीच रहना चाहिए, वो तो यहाँ मिलेंगे नहीं। अगर वो लोग यहाँ मिल भी गए तो ये लोग उनको ही बदल देंगे। ये लो, लो। 6 किलोमीटर बिना रुके भागा था ना, थक गया होगा। भागने का मतलब गलतियां दोहराना होता है। कहां तक भागेगा? हाँ 10 दिन में रिहा होने वाला है, तो भागने की क्या जरूरत थी? मेरी माँ नहीं बचेगी सर, आज तक मैं जी रहा था अपनी माँ के लिए। मैंने उस यूनियन लीडर को जानबूझ के नहीं मारा था। यूनियन के झगड़े खत्म करवाने के लिए मेरे मालिक ने यह काम मुझसे करवाया था सर। उसने कहा था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो वह मेरी माँ के लिए लीवर का बंदोबस्त करेगा, लेकिन वो अपनी बात से मुकर गया सर। अब मेरी माँ का बचना मुश्किल है, मैं क्या करूं सर? कारण गलतियों को सुधार देगा, सजा से नहीं बचाएगा। जो भी हो, तुमने गलती की थी, अपने आप पर भरोसा रखना था, दूसरों पर नहीं, यही तुम्हारी समस्या है। माधव। यस सर। उसकी माँ और उस फैक्ट्री ओनर के बारे में पता करो। ओके सर। उसकी माँ का ऑपरेशन करवा दो। ठीक है साहब। सुपरिटेंडेंट के बारे में कुछ पता चला? उनका अल्सर का ऑपरेशन हुआ है, 3 हफ्ते तक रेस्ट में रहेंगे। हेलो। हेलो धर्मा, कहाँ हो तुम? जेल में कुछ पंछियों के पर निकल आए, उन्हें काट रहा हूँ। मेरे चाचा जी अभी भी निकले हैं यार। कहाँ मिलने वाले हैं? वही रामापुर रोड प्रशांत होटल में। मैं देख लूंगा। अरे धर्मा, ये सब बात छोड़ो यार, मेरी बात सुनो। धर्मा धर्मा, ये नहीं सुधरेगा।
चलो चलो तुम आगे चलो, रुकिए रुकिए रुकिए, वहां लगाओ गाड़ी को, वहां लगाओ वहां लगाओ, चलो चलो चलो। हाँ ग्लास नीचे कीजिए ना, आपसे कुछ काम है, 5 मिनट रुकिए सर। नमस्ते सर। नमस्ते, मेरा नाम धर्म तेजा है, प्यार से मुझे धर्मा बुलाते हैं। मैं इस शहर के सेंट्रल जेल में जेलर का काम कर रहा हूँ। मैं चित्तौड़ का रहने वाला हूँ। मेरे माँ बाप। सॉरी, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं और आपने मेरी गाड़ी क्यों रोकी? आपको एक बात बतानी है सर, वो आपको पसंद आए ना आए लेकिन आपको सुनना ही पड़ेगा। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। आप कोई और लड़का मत ढूंढो। सारिका रुको, लगता है माहौल गर्म है, ठंडे हो जाइए। आप भी पीजिए सर, लीजिए ना। लीजिए सर, दिमाग ठंडा हो जाएगा। तुम इन्हें पहले से जानती हो? हम 3 साल से एक दूसरे को चाहते हैं। 3 इयर्स नहीं, 5 इयर्स। धर्मा कॉलेज में मेरा सुपर सीनियर था। तुम चुप रहो सारिका, तुम तो सच धज कर लड़का देखने निकल पड़ी थी। हमारे बारे में इनको पहले ही बता देती तो। सारिका के लिए हमने ऑलरेडी लड़का पसंद कर लिया है और इसकी शादी उसी से होगी। आप इसकी शादी अपनी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से कराइए। देखो, सारिका की शादी के लिए मैंने ऑलरेडी निर्णय ले लिया है। तुमने जो बीच रास्ते पर डिस्कशन शुरू किया है ना, वो यहीं पे छोड़ दो। मेरे घर तक मत लेके आना प्लीज। सर, जाने से पहले एक बात सुन लीजिए। सारिका से शादी करके डायरेक्टली मैं आपके पास आ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता हूँ। तो आप भी मेरे जज्बातों को समझिए और जो टाइम मैंने आपका वेस्ट किया है उसके लिए सॉरी। चाचा जी, सारिका के लिए धर्मा से बेहतर पति कोई नहीं मिल सकता। मैं धर्मा को अच्छी तरह से जानता हूं। अभी-अभी कमिश्नर ऑफिस में मैंने अपने दोस्त से बात की है, उसका चरित्र पूरा पता चल चुका है। उसने जो 5 मिनट बात की मुझसे, मैं समझ गया हूं कि वो क्या है। सब कुछ जानते हुए अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करवा सकता। मानता हूँ वो गुस्से वाला है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख सहे है चाचू। जब 9 साल का था तभी उसने बहुत कुछ खो दिया था। राजनीति के झगड़ों में उसके माँ बाप को बीच सड़क पे बुरी तरीके से मार दिया गया था चाचू, और जिन्होंने मारा वो 6 महीने में ही बाहर आ गए। उसने उस अन्याय को सहन किया है, अकेला बड़ा हुआ है, इसीलिए किसी की छोटी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं कर पाता। सुनो बेटा, वो तुम्हारी नजर में सही होगा लेकिन मेरी नजर में सही नहीं है। मैं गाँव जाके उस लड़के वालों से बात करके तुम्हें फोन करता हूँ। यहाँ सारिका का कोर्स खत्म होने तक तुम इसका ख्याल रखना बेटा। चाचा जी बात तो, कहाँ हो तुम? काम कर रहा हूँ। मैंने पूछा इस वक्त कहाँ हो? सुपरिंटेंडेंट साहब से मिलने अस्पताल जा रहा हूँ। हाँ हाँ जाओ, उन्हीं से मिलो। मुझे यहाँ फंसा के अपना काम आराम से कर रहे हो। पता है पिताजी कितने गुस्से में हैं? वो गांव जाकर उन लड़के वालों से फिर बात करने वाले हैं। और तुमने ये क्या किया बिना बताए? पिताजी से आके सीधे बात कर ली। कभी ना कभी तो उनको बताना था ही, तुम तो बताओगी नहीं, तो मैंने बता दिया। हाँ पर अभी बताना जरूरी था क्या? अच्छा छोड़ो, शाम को मिल रहे हो ना? सारिका, मैं बाद में बात करूं। ये भी ना, शी। हाँ आओ आओ कभी आओ। मैं कभी नहीं हूँ सर, आप जैसे लोग बनने कहाँ देते हैं। अरे अब मैंने क्या किया है बोलो। मैंने तो लॉन्ग लीव मांगी थी लेकिन ले ली तो आपने। तुम लीव लेके क्या करोगे, कविता लिखोगे? मेरी तो बस एक ही इच्छा है, कभी ना कभी कवि बनना है।
मेरे अंदर जो भावनाएं हैं उन सबको लिख के किताब बनाऊंगा, आप देखते रहिए। तुम्हारी आशाएं और आवेश दोनों एक नहीं हो सकते हैं धर्मा। आदमी बाहर दिखता है सर, कवि अंदर होता है। ये सब छोड़िए, आप अब कैसे हैं? ठीक ही हूँ, बस 2-3 हफ्तों में डिस्चार्ज हो जाऊंगा। वैसे सुना है कि सुबह भाग रहे कैदियों को बुरी तरह मारा, उनमें से एकाध की टांग भी तोड़ दी। अरे लोगों के साथ जरा मुंह से बात करना भी सीखो धर्मा। मुंह से बोलने से ज्यादा हाथ का बोलना ज्यादा याद रह जाता है सर। मेरी नजर में गुड इज बैड सर। जूस लीजिए सर। थोड़ा तो सोचो, हम जो नौकरी कर रहे हैं वो सरकारी नौकरी है, इसमें कुछ रूल्स वगैरह होते हैं भाई। मेरे लिए रूल से ज्यादा रिजल्ट इम्पोर्टेंट है। तुम इसी तरह अपनी मर्जी चलाते रहो, उधर वो ह्यूमन राइट्स वाले बुरी तरह तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। उनका कहना है कि तुम रक्षक नहीं एक राक्षस हो, उनके ऑफिस में तुम्हारी ही चर्चा चलती है। मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है, वैसे अन्याय का अंत करने वाले को भगवान कहते हैं, वही काम मैं कर रहा हूं तो मुझे राक्षस कहते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता सर, अब चलता हूं सर, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। धर्मा, तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, हमेशा जो सोचते हो वो नहीं हो सकता, ध्यान रखना। ओके सर। चलो इन सबको नीचे उतारो, चलो आओ। चल बे, तू अभी तक बैठा क्यों है? चल चल बाहर निकल, चल। चलो आगे बढ़ो, मैंने इस तरह उसको मार दिया। चार्ली, ये इस जेल में क्यों आया है? सर, गुड मॉर्निंग सर, ये रही फाइल। इसका नाम प्रभाकर है, सीतापुर चोरी में पकड़ा गया था, 5 साल की कैद हुई है। इसे बी ब्लॉक में डालो। ये सांबा है, बड़ा गुंडा है, एमएलए कांताराव पर मर्डर अटेम्प्ट, इसे 3 साल की कैद हुई है। ए ब्लॉक, नाम है पंडित कमलेश, चिट फंड चीटिंग केस, 10 साल की कैद हुई है। बी ब्लॉक, ये विजयवाड़ा सब जेल से यहाँ शिफ्ट हुआ है, नाम है चंद्रशेखर एलियास चार्ली, दिलीप कोटा मर्डर केस में दोषी पाया गया, 5 साल पहले फांसी की सजा सुनाई गई, प्रेसिडेंट के पास क्षमा याचना की अर्जी भेजी गई, लेकिन अभी तक पेंडिंग है सर। पाप करके सजा मिलने पर भी इस सिस्टम में 5 साल जी चुका है तू, यही बहुत ज्यादा है। क्षमा भी इंसानों के लिए होती है, तेरे लिए नहीं। मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा। जो जीने नहीं देता है उसे जिंदा रहने का। माधव, यस सर, इसे अलग से डी ब्लॉक में डाल दो। ओके सर। तुम लोग यहां आने से पहले क्या थे क्या नहीं थे इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक बार जब अंदर आ गए हो तो इस जेल के जो नियम है उनका पालन करना होगा। माधव सर, चलो चलो सब लोग। इंडिया के बड़े बड़े डायमंड मर्चेंट में एक है चंद्रशेखर अलियास चार्ली, उम्र में छोटा है लेकिन दिमाग बहुत तेज। बचपन में ही माँ गुजर गई थी तो बाप से दूर रह करके पला, पैसों की कोई कमी नहीं थी जिसकी वजह से बिगड़ गया। चारों तरफ लड़कियां, हाथ में पैसा, गर्म दिमाग
गलती करने का साहस, बच निकलने का साहस, ये सब चार्ली की आदतें थी। चार्ली का पिता दिलीप कोटा बाप से ज्यादा नाम कमाएगा सोचा था दिलीप कोटा ने, लेकिन हेलो चार्ली को नफरत है तो वो दिलीप कोटा की दूसरी बीवी भारती देवी से और उनके बच्चों से। पहली बीवी के गुजरने के 5 साल बाद घर वालों ने जबरदस्ती करके दिलीप कोटा की शादी भारती देवी से करा दी। जायदाद में हिस्सा और सोसाइटी में इनका नाम उनके साथ बांटना चार्ली को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए उसके पिता के साथ भारती देवी परिवार का कोई संबंध नहीं है ये साबित करने के लिए फेक पेपर्स बनवाए थे। दिलीप कोटा के गुजर जाने के बाद भारती देवी और उनके बच्चों को अंतिम क्रिया में आने नहीं दिया था चार्ली ने। भारती को यह सब सहन नहीं था और उसने चार्ली पर लीगल कार्रवाई कर दी। कोर्ट ने यह फैसला दिया कि चार्ली के साथ साथ ये भी दिलीप कोटा के परिवार के हिस्सा हैं, उन्हें भी जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए। यह है कोर्ट ऑर्डर, व्हाट इज दिस शिट, उनका कोई हक नहीं जायदाद पे, ब्लडी डैम इट। यह बात चार्ली को बिल्कुल सहन नहीं हुई, वो पहले ही गुस्से वाला था, इस हार को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक दिन गुस्से में भारती देवी के घर जाकर अरे मेरी बात सुनो, केस करती है मेरे ऊपर, हां केस करती है, छोड़ो छोड़ो क्या दिलीप कोटा का एक ही पॉइंट है, ए वो छोड़ो सिर्फ पैदा होने से ही हकदार है। I'm Charlie. मर, बाहर रहना चाहिए था तुम जैसी औरतों को, तुम्हें मैं जायदाद में हिस्सा दूंगा। उसके बाद उन्हें कोई पहचान ना पाए, उनके टुकड़े टुकड़े करके चला डाला था उसने। भारती देवी अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते पुलिस के पास पहुंचे तो वहां उसे जली हुई लाशों का पता चला। दिलीप कोटा के परिवार के बारे में सुनकर सारा शहर शॉक था। पुलिस ने चार्ली पर केस फाइल किया था। सर आप हमें दोनों पक्षों के वाद विवाद सुनने के बाद और सारे सबूतों को जांच करने के बाद चंद्रशेखर अलियास चार्ली को ये अदालत दोषी मानती है। उसने अपने परिवार के सदस्य ममता, लक्ष्मी, पवन और राजश्री देवी को बड़ी क्रूरता से मारने वाला ये चार्ली समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है, इसलिए आईपीसी की धारा 302 और 303 के तहत इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस समझ कर ये अदालत चार्ली को फांसी की सजा सुनाती है। नाम यामिनी है, वेलकम टू एनटीवी। नमस्कार माताजी। आपके परिवार में जो हत्याएं हुई हैं उनकी वजह से राष्ट्र भर में हंगामा मच गया है, आपके परिवार में से ही कोई एक इन हत्याओं का कारण है, इस कष्ट को आप अकेले कैसे झेल पा रही हैं? जब भी हमारी जिंदगी में कष्ट आए तो हम दुखी हुए लेकिन डरे नहीं, पर जब बात हमारे परिवार की आई तो मेरी हिम्मत टूट गई। हमने सुना है कि आप एक ट्रस्ट खोलने की सोच रही हैं मैडम, उसके बारे में हमें बताएंगी? आज इस देश में हमारे परिवार के साथ जो हुआ है वो औरों के साथ भी हो रहा है, इसलिए मैं इस घर को बेचकर अपने परिवार के नाम से एक ट्रस्ट खोलना चाहती हूँ। वो ट्रस्ट अन्याय का सामना करते हुए सबको न्याय दिलाएगी, मैं जानती हूँ। पर आप उसके लिए फंड्स कहाँ से लाएंगी? मैंने कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई भी किया है, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, उन्हीं का वेट कर रही हूँ। यहाँ न्याय बहुत कॉस्टली हो गया है सर, अन्याय जब चाहो फ्री में मिलता है, तभी तो लोगों को आदत हो गई है सर। अब यही देखिए ना, देश में होने वाले अन्याय के लिए भारती देवी को जायदाद बेचनी पड़ रही है। हम लोग कई बार लाचार हो जाते हैं। उसे हत्या करने में 5 मिनट नहीं लगे होंगे लेकिन उसे सजा मिलने में 5 साल लग गए। अगर हम और भी लेट करेंगे ना तो जनता का हम पर से भरोसा उठ जाएगा। Yes? सारिका है क्या? Wait for 5 minutes. इन औरतों का भी ना 5 minutes और 10 minutes. कितनी देर कर दी हम? ये हॉस्टल है या ब्यूटी पार्लर खोल रखा है? लेडीज हॉस्टल ऐसा ही होता है, पता नहीं तुम्हें? अच्छा मेरी बात छोड़ो, अपना चेहरा कभी देखा है तुमने? तुम और तुम्हारे ये बाल,
इस उम्र में तो ग्लैमर मेंटेन करना चाहिए। मुझे बाहर दिखने वाले ग्लैमर में इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें लाठी की जरूरत नहीं है, बातों से ही मार देते हो। मुझे बुलाया क्यों? हाँ बताती हूँ, अपना पर्स दो। ये क्या, मेरी फोटो नहीं लगाई? किसलिए रखनी है मेरी फोटो? क्यों? तुम ना कभी नहीं बदलोगे। नीचे जाओ और गाड़ी में बैठो, सिगरेट मत पीना, 5 मिनट में आ रही हूँ। चलो चलो, सब इस गाड़ी में बैठ जाओ, टाइम हो रहा है। ए, तुम तीनों पीछे बैठो। बाकी सब लड़कियां एवरेज है ना, मैं ही सुंदर हूँ, है ना? ये सब क्या है? हम सब हमारी फ्रेंड के एंगेजमेंट में जा रही हैं। रात को तुम्हारी गाड़ी वापस कर देंगे, ठीक है ना? तुम्हारी गर्लफ्रेंड सुंदर है, इसलिए टैक्स तो देना ही पड़ेगा, इसलिए तुम्हारी गाड़ी ले रही हूँ। चलो चलो। मैडम फिर सर कैसे जाएंगे? तुम्हारे सर कोई टैक्सी या ऑटो पकड़ लेंगे, तुम आओ मेरे साथ। जी सर। मैं न जानू दिल क्यों धड़के, प्यार है क्या, दिल में जाका प्यार भरा गीत है क्या, मन ये तरसे तेरे प्यार में है क्या। आँखों ने देखा एक सपना, सजनी तू बन गई है अपनी, मेरे ख्वाबों में बसी तू सजनी, मैं तेरा साजन सा तेरा मुझको साजन, बन गया जन्मों का बंधन, सामने मेरे रहते भी ढूंढती तुमको साजन। जब होठ कांपे तो कदम ये बढ़ते हैं, ऐसा क्यों होता है बता, ओ, 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 ओ। पास तेरे मैं आ गई, प्यार तेरा मैं पा गई, छुपा लिया तुझको दिल में साजन। मैं न जानू दिल क्यों धड़के, प्यार है क्या, दिल में जागा प्यार भरा गीत है क्या, मन ये तरसे तेरे प्यार में है क्या। होश मेरे खो बैठा हूँ, सांसें बनके तेरे दिल में बसा हूँ मैं, बातें तेरी सुनती रही हूँ, मन से तुझको अपना चुकी मैं। मुझ में बसी हो ये सोचा था, सामने आई दिल धड़का था, कहीं भी तुम जाती मैं पीछे तेरे आना जाता। आँखों ने देखा एक सपना, सजनी तू बन गई है अपनी, मेरे ख्वाबों में बसी तू सजनी, मैं तेरा साजन। भैया याद है क्या, 5 साल पहले तुम्हारे शोरूम में चोरी करने आया था तो पैर तोड़ दिए थे मेरे, वही पांडू हूं मैं। तुझे डायमंड चाहिए थे? इसको 4-5 केस और बना के अंदर डालने के लिए बोलो एसआई को। अरे भैया तुम यहाँ हो
तो वहां तुम्हारे इतने महंगे डायमंड्स को कौन संभालेगा? एक काम करते हैं, वो डायमंड्स कहां पर हैं? अगर ये बता दो तो मैं वहां जाके ले लेता हूँ। फांसी होने वाली है। चलो चलो भाई, चलो चलो। कैसे हो? प्रेसिडेंट के पास तुम्हारी क्षमा याचना की पेटिशन हमने फॉरवर्ड कर दी है। तुम्हारी मनपसंद मिठाई। सर, तुम भी लो। कल ऑडिटर साहब मिले थे, तुमने सारे शेयर्स दुबई ट्रांसफर करने के लिए कहा है उन्हें। तुमने लॉकर के बारे में कोई फैसला लिया है क्या? चार्ली, बात नहीं करोगे? दुबई में रवि को फोन करो, हम जल्दी दुबई जाने वाले हैं। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? यहाँ मुझे कौन मार सकता है सायरा? मैं जानता हूं कि क्या करना है। तुम जाओ। बोलो चार्ली। यहां से मुझे बाहर लाने के लिए तुम्हें किसी की बेल करानी होगी। डीआईजी साहब हैं क्या? हाँ है ना सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ आओ भाई, तुम्हें और तुम्हारे जेल को देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं। क्यों भाई, तुम्हारे एसपी साहब ने ड्यूटी ज्वाइन की कि नहीं? छुट्टी पर गए, एक महीने से ज्यादा हो गए हैं। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है सर। देखो धर्मा, हेल्थ प्रॉब्लम किसे नहीं है, मुझे भी तो है, लेकिन हम आ रहे हैं काम पर और ड्यूटी भी कर रहे हैं। वैसे किस लिए बुलाया मुझे सर? जवाब देखो कितने फटाक से देता है। क्या है सर ये? कल प्रेसिडेंट साहब ने चार्ली की क्षमा याचना को रिजेक्ट कर दिया है। मैंने स्टेट के होम मिनिस्टर साहब से भी बात की है, चार्ली को अगले सोमवार को ही फांसी देनी होगी। हमारे पास समय बहुत कम है, तुम जाके सारी तैयारियां करो। गलत नहीं, गलत नहीं, संहार करना गलत नहीं है। शंख तुम आज बजाओ, जो गलती करे उन्हें दंड तो मिलना ही है। हर पाप का अंत तो लिखा ही रहता है। अधर्म को मारना है, धर्म को जगाना है, अन्याय को फांसी पे चढ़ाना ही न्याय है। गलत नहीं, गलत नहीं, संहार करना गलत नहीं, संहार करना गलत नहीं है। शंख तुम बजाओ आज। प्रेसिडेंट के पास तेरी क्षमा भी का पिटीशन रिजेक्ट हुआ है। ऑर्डर्स आए हैं, सोमवार को तुम्हें फांसी दी जाएगी। गलती पाप सब एक है, एक बार करने से मरने तक किसी का पीछा नहीं छोड़ते। ये तेरा डेथ वारंट है, एक बार पढ़ ले और साइन कर दे। मैं मरूंगा नहीं, कहा था ना मैंने तुमसे। समझ में नहीं आता। तुम चाहे इस पर दस्तखत करो या ना करो, होनी तो होके रहेगी। मारना बहुत आसान था ना, अब मरना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो एक मिनट सोचता ना तो तेरा परिवार बच जाता। तो मेरा परिवार नहीं था चार्ली। जब जान जाने का डर होता है तो जीने की इच्छा बढ़ जाती है, ये कॉमन है। जब तुम्हें लगा कि मारना गलत नहीं है तो तेरा मरना भी गलत नहीं है। एक अनाथ की दुख भरी मौत है ये, इससे बदतर किसी की मौत क्या हो सकती है?
अमेरिका पूरी दुनिया को यही दिखाना चाह रहा है। ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी 9:40। हेलो, कौन? वीरा बोल रहे हो? हाँ जी, सेंट्रल जेल से कांस्टेबल बोल रहा हूँ। ठीक है, 2 दिनों में किसी को फांसी देनी है। ठीक है, अभी आ जाओ। हाँ अभी आ रहा हूँ, आया अभी मैं। बेटा, ए बेटा, तेरा ये काम मुझे पसंद नहीं है। उनसे कह दे कि तू नहीं आएगा। बोल देना बेटा, तेरे पिताजी मरते दम तक यही काम करते आए हैं। तू तो लोगों की बद्दुआ मत ले बेटा। देखो माँ, फांसी देकर जान निकाल रहे हो ये तुम सोच रही हो, लेकिन फांसी देकर धर्म को बचा रहे हैं ये हमारा विचार है। वैसे भी पिताजी के काम को ही मैं अपनाऊंगा, ऐसा मैंने सोच लिया था। ये क्या कर रहे हो वीरा? बहुत पुराना हो गया था ना, इसलिए ऑयलिंग कर रहा था। बहुत साल पहले तेरे पिताजी ने उस सीरियल किलर को यहीं पर फांसी पे लटकाया था, उनके बाद अब तू ही कर रहा है ये काम। अरे इसका मतलब तू अपने पिताजी का काम संभालेगा? मैं ये काम कर तो रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ही कितने दिनों से सोच रहा था कि कब बुलावा आएगा। वैसे भी फांसी पे चलाना इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ये काम इतना आसान नहीं है, आदमी की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसका पूरा हिसाब लगाना पड़ता है। मरने वाले को मरते समय तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पहली बार ये काम कर रहे हो, टेंशन हो रहा है क्या? टेंशन कैसा, मैं अपना काम ही तो कर रहा हूँ। क्यों वीरा, कैसे हो? ठीक हूँ सर। ये वीरा है, सूर्या का बेटा। ये मैजिस्ट्रेट सत्या राव है, कल फांसी के वक्त यही रहेंगे। क्यों वीरा, सब ओके है ना? सब ठीक है सर, मैंने सब चेक किया है, शाम तक काम पूरा हो जाएगा। हार्टबीट नॉर्मल है, बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन आदमी फिजिकली फिट है। उसने आखिरी ख्वाहिश बताई कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं बोल रहा है ये। सर, फाइल सर। तुम आ गए? क्लास नहीं गई तुम? मैं कॉलेज नहीं गई, तुम्हारी छुट्टी है ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आ गई। वैसे भी हॉस्टल में बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। 2 घंटे का लेक्चर सुन के मुझे थोड़ी ना नौकरी करनी है। वैसे मेरा होने वाला पति इतना बड़ा जेलर है, तो मुझे नौकरी की क्या जरूरत? तुम अगर इसी तरह गुटली मारती रही तो इंस्टीट्यूट वाले तुम्हें निकाल देंगे। निकालना है तो निकाल दे। दरअसल मैं ही वो कॉलेज छोड़ देना चाहती हूँ। तुम्हें एक बात पता है, मेरा हाथ बहुत लकी है। तुम अपनी अच्छी अच्छी कविताएं नरेट करना, मैं उन्हें टाइप कर दूंगी, और फिर देखना तुम कितने बड़े कवि बनते हो। समझे कुछ? तब भी तुम मुझे इतना ही प्यार करोगे ना, या फिर बदल जाओगे? बोलो, चुप क्यों हो? बोलो ना। क्या बोलूं? कुछ भी बोलो ना। बोल दो क्या? हाँ बोल दो। सर, ऑफिस से फोन। सर मैं फिर आता हूँ सर। अगर पिताजी मुझे वापस ले जाते और शादी कर देते तो? बाप रे। अगर ले जाते तो मैं वहाँ आ जाता? इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुम में? इसके लिए हिम्मत की क्या जरूरत? पता है हिम्मत क्या होती है? जब किसी को फांसी पर चढ़ते हुए डायरेक्ट देखना पड़ता है ना, उसे हिम्मत कहते हैं। सर टाइम हो रहा है, उसे ले आए क्या? ओके। चार्ली, समय हो गया है, अगर तुम रेडी हो तो चलते हैं। We'll be right back.
चार्ली 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 क्या हुआ तुम्हें? अरे डॉक्टर को बुलाओ। हाँ बुलाओ जल्दी जल्दी, कोई डॉक्टर को बुलाओ। चार्ली उठाओ जल्दी चार्ली 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 सर चार्ली वहाँ नीचे गिर गया। नशे में है, लगता है इसने ड्रग्स लिया है। सुबह तक इसको होश नहीं आएगा। अब क्या करें? फांसी पोस्टपोन कर देते हैं सर, इसको तो मैं देख लूंगा। आखिर तुम लोग क्या कर रहे थे? फांसी से पहले उसे ड्रग कहां से मिल गया? यही ड्यूटी करते हो क्या तुम लोग? ये बहुत बड़ी गलती हुई है, अगर मीडिया वालों को पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे गलती नहीं होनी चाहिए। ओके सर। सर मुलाकात के वक्त इस लड़की ने स्वीट बॉक्स दिया था चार्ली को। इसका नाम सायरा है, चार्ली की गर्लफ्रेंड है, बेंगलुरु में रहती है। उसे तुरंत बेंगलोर से यहाँ बुलाने का बंदोबस्त करो। ओके सर। चार्ली को होश आ गया? आ गया सर। उसे उसके ब्लॉक में शिफ्ट करो, उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ। ठीक है सर। ए, रुको। अरे सर आज रिलीज होने जा रहा हूँ, चार्ली को टाटा करने जा रहा हूँ, रुको। रख लो। भैया तुम्हें देखने की उम्मीद नहीं थी, वैसे भैया तुमने ही मुझे अंदर करवाया था, अब तुम ही मेरी बेल करवा के बाहर भेज रहे हो। मित्र हो या शत्रु मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ अपना फायदा और नुकसान देखता हूँ। मेरे बाहर जाने से आपको क्या फायदा? वैसे मुझे क्यों बुलाया आपने? मेरे साथ एक डील करोगे पांडू? कौन चाहिए? मुत्तिमान है क्या? एक मिनट रुको भाई, मुत्तिमान से कोई मिलने आया है। मैं मुत्तिमान से मिलने आया हूँ। तू कौन है? मेरा नाम पांडू है, मुत्तिमान मुझे जानता है। तुम मुत्तिमान के भाई हो ना? भाई अंदर काम में बिजी है। तेरा मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है सुधाकर, मेरी बात मानोगे तो तेरी जान बच जाएगी और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। जो चाहिए मैं दे दूंगा, चाहे तो आप ये थिएटर भी ले लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तुम कष्ट उठा के कमाते हो और मैं कष्ट दे के कमाता हूं। हाय, इस सफेद कागज के काले अक्षरों की कीमत 12 करोड़ है जो मुझे चाहिए, इस पर साइन करो। बिना आवाज निकले खत्म कर दो, बॉडी ना मिले जलाकर राख कर दो। नमस्ते भाई। पांडू कैसा है तू, जेल से कब आया? कल ही आया हूँ भाई। पता चला कि आप मुंबई से आए हो, अड्डे पे पूछा तो पता चला आप यहाँ हो। वैसे भैया आप यहाँ कैसे? इस थिएटर के मालिक ने कुछ सेटलमेंट कराने के लिए बुलाया था, अब उसके इस थिएटर को मैंने सेटल कर लिया है। बढ़िया है भैया, बीच सेंटर में बढ़िया जगह है। भाई इस थिएटर को तोड़ के अच्छा सा शॉपिंग मॉल बनाएंगे तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी भाई। मॉल बनाने के लिए बातें नहीं पैसे चाहिए होते हैं, उतना कमाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मेहनत से कमाने वालों के लिए समय लगेगा, हमारे जैसे लूटने वालों के लिए क्या समय लगेगा। भाई मेरे पास एक अच्छी डील है, अगर हम वो करेंगे तो एक मॉल क्या कई मॉल बना सकते हैं ऐसे। क्या है वो? डायमंड मर्चेंट चार्ली को फांसी की सजा मिली, मैं उसे जेल में मिला 2 दिन पहले,
वो चालाकी से फांसी से बच गया है। उस चार्ली ने ही मुझे बेल दिलवाई है। मैं जेल से निकलने से पहले उससे मिला था। उस वक्त दो डायमंड चुराने के लिए मेरे शोरूम से इतना बड़ा रिस्क लिया था तुमने। वैसे मेरे पास कुल 90 डायमंड्स हैं। वो सब मेरे पर्सनल लॉकर में हैं। अगर तुम मेरा काम करोगे तो आधा तुम्हें मिलेगा, मतलब 45 डायमंड्स। 50 करोड़ के हैं वो डायमंड्स जो मैं तुम्हें दूंगा। वो लॉकर कहाँ है चार्ली? मेरे लॉकर्स कहाँ है कोई नहीं जानता। ध्यान से सुनो, कुछ दिनों में ये लोग फिर मुझे फांसी पे चढ़ाएंगे। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे अपनी जान से प्यारी कोई भी चीज नहीं पांडू। चाहे कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन मुझे जीना है। तेरी सजा कम करवाई है, बाहर जाके तुम्हें मेरी जान बचानी है। जाओ, प्लान रेडी करो। अगर सब ठीक रहा तो इस जेल के पूरब की तरफ वॉच टावर के पास गुरुवार को तुम्हारे पतंग उड़ाना। याद रखो, 45 डायमंड्स, पूरे 50 करोड़। और वो बाहर आने के बाद डायमंड्स देने से मुकर गया तो? जिसकी जान खतरे में होगी वो डायमंड्स के बारे में नहीं सोचेगा। चार्ली को हम बचाएंगे। कैसे हो सुलेमान? बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। ठीक हूँ भाई। तुम्हारा ट्रांसफर डीआईजी ऑफिस में हो गया है, मेरे आदमियों ने बताया। हाँ भाई, ज्वाइन करके 2 साल हो गए। डायमंड मर्चेंट चार्ली की फांसी की तैयारी चल रही है ना? बिल्कुल। उसकी फांसी से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर मुझे मिलनी चाहिए। सुलेमान, तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हारी जिंदगी सेटल हो जाएगी। आपके बारे में मुझे मालूम है भाई, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। काम होने के बाद मेरा भी थोड़ा ख्याल रखिएगा भाई। तुम ही सायरा हो क्या? हाँ। तेरे चार्ली को जेल का खाना सूट हो गया, लेकिन तेरी दी हुई मिठाई उसे सूट नहीं हुई। ऐसा क्यों? जवाब दो। चार्ली को ड्रग्स की आदत है क्या? कभी कभी पार्टीज में जाता है तो लेता है। उसने तुमसे ड्रग्स लाने को कब कहा? लास्ट वीक जब मिलने आई थी तब उसने कहा था, पर मुझे लगा था कि वो हमेशा की तरह लेना चाहता है। मुझे नहीं पता था कि वो मौत से बचने के लिए मांग रहा है। कौन सा ड्रग है? केटामीटर। तुमसे कुछ और कहा था क्या? जेल में ड्रग्स लाने के लिए सायरा को कस्टडी में लीजिए। बताती हूँ। चार्ली मरना नहीं चाहता है। वो यहाँ से भाग के हमेशा के लिए दुबई में सेटल होना चाहता है, पर वो ऐसा कर पाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। मैं चार्ली को अच्छी तरह जानती हूँ। वो अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुम चार्ली को बचाना चाहती थी ना, लेकिन अब तुम खुद फंस गई हो। इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे बीच में क्यों फंसाया जा रहा है? गलतियां अनजाने में करते हैं, जानबूझकर नहीं करते। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे ले जाओ और बंद कर दो। ठीक है सर। मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा। मैं मरूंगा नहीं कहा था ना तुमसे, समझे नहीं? ब्लड रिलेशन से ज्यादा बेड रिलेशनशिप होता है सर, उसके लिए कुछ भी कर लेते हैं लोग। डार्क सेल ओपन करवाओ। ओके सर। अगर सब ठीक रहा तो गुरुवार को हरे रंग के पतंग उड़ाना।
चारों तरफ ताजी हवा, हरे पेड़। जीने की इच्छा तुम्हारे अंदर धीरे धीरे बढ़ रही है चार्ली। इस बार होशियारी करके तुम मौत से बच गए, लेकिन मुझसे नहीं बचोगे। तेरी मदद की इसलिए तेरी सायरा को भी अंदर डाला है। अब बचे कुछ दिन इसी अंधेरे कमरे में गुजारना। जेलर, मेरी बात सुनो। मुझे इस तरह से डार्क सेल में रखने से मेरे रास्ते बंद नहीं हो जाएंगे, याद रखना। तुम मुझे क्या अंधेरे में ढकेलोगे? मैं खुद रोशनी में नहीं आऊंगा, सूरज को भी नहीं देखूंगा। जो मैंने सोचा है उसे पूरा करने के बाद ही रोशनी में आऊंगा। जेलर, आज से मैं नजर नहीं आऊंगा, लेकिन जो खेल मैंने खेला है वो तुम्हें नजर आएगा। लड़का स्मार्ट है ना, उसे तो मैं बहुत पसंद आई, जानते हो? अगर इतना ही पसंद है तो कर लो शादी। शादी में बुलाऊंगी, खाना खा के जाना, गिफ्ट लाना मत भूलना। इतने साल तुम पे क्यों भरोसा किया? शी, तुमने यहाँ लड़के से तो मिलने नहीं दिया, लेकिन वो तो शादी की जल्दी कर रहा है। डैडी को कॉल कर करके परेशान कर दिया है। तुम हमारी शादी के बारे में नहीं सोच रहे और डैडी तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहे। इस टेंशन में मैं बेकार ही फंस गई हूँ। नेक्स्ट वीक डैडी ने घर पे बुलाया है, शायद शादी पक्की कर देंगे। मुझे डर लग रहा है। तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं संभालूंगा। मैं थोड़ा सा बिजी, फिर मिलते हैं। चार्ली को दोबारा फांसी सैटरडे को दी जाएगी। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चार्ली की परिस्थिति क्या है? डार्क सेल में रखा है सर। इतनी समझदारी अगर पहले दिखाई होती तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। नहीं सर, किसी भी आदमी को फिजिकली कंट्रोल कर सकते हैं, पर मेंटली कंट्रोल नहीं कर सकते। एक मामूली से क्रिमिनल को तुम संभाल नहीं पा रहे हो, कैसे जेलर हो तुम? अगर चार्ली जैसे कैदी को हम लोग सजा ना दे पाए तो पुलिस फोर्स में रहना हमारे लिए बेकार है। डोंट वरी सर, सब मैं संभाल लूंगा। दोषी जो भी हो सजा से बच नहीं पाएगा, चार्ली मरेगा। इस शनिवार तुम्हारी फांसी है, इस बार नहीं बचोगे। चार्ली बचना चाहिए। शनिवार को पक्का है क्या? भाई अभी अभी उसकी फाइल देखिए, इसीलिए मैंने आप लोगों को बुलाया। चार्ली नहीं मरेगा, उसके लिए एक प्लान बनाया है मैंने। एए, हम आज ही उस पर काम शुरू करेंगे। ठीक है भाई। अगर वो काम हो जाएगा तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। भाई इस मामले में थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि हम लोग जिससे टकरा रहे हैं वो डिपार्टमेंट में राक्षस के नाम से जाना जाता है, उसका नाम धर्मा है। तो राक्षस है, राक्षसों की कभी जीत नहीं होती। भैया मेरे को एक बीड़ी देना। हाँ भैया। वाह क्या गाना है ये। लो क्या बताऊं, पुराने गानों में मजा ही कुछ और होता था। पुरानी फिल्मों के गाने ही क्या, कहानी भी बहुत अच्छी होती थी भैया, फिल्में इमोशनल होती थी। इस कहानी में भी सेंटीमेंट है। फिलिस्तीन में सरकार ने उग्रवादियों को फांसी की सजा दी और उसी दिन फांसी देने वाले जल्लाद के परिवार वालों की भी हत्या हो गई। लोगों का ये कहना है कि यह पुलिस और उग्रवादियों की मिलीभगत है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। ठीक है ना? इस कहानी में भी सेंटीमेंट है। फिलिस्तीन में सरकार ने उग्रवादियों को फांसी की सजा दी और उसी दिन फांसी देने वाले जल्लाद के परिवार वालों की भी हत्या हो गई, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा।
भाई यहाँ पर बैठे हुए थे, कहाँ गए? नहीं जानता सर, पहले कभी नहीं देखा उन्हें। माँ 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 कहानी तुम्हारे ऊपर फिट हो गई। कौन बोल रहा है? हम कौन है यह जानने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ इतना जान लो, कल चार्ली मरेगा तो तुम्हारी माँ भी मरेगी। अगर ये बात कोई और जान गया तो तुम अपनी माँ का मरा मुंह देखोगे। सर, सर, अब कौन है मैं नहीं जानता सर, लेकिन चार्ली का जीना मरना मेरे हाथ में नहीं है सर। मुझे समझने की कोशिश कीजिए। हेलो 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 सर, हेलो सर, व्हाट भैया, सब कुछ सेट कर दिया है, रजिस्ट्रार से भी बात कर ली है, अगले गुरुवार को तुम दोनों की शादी है। मुझे बस चाहिए एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ और दो फोटोग्राफ। ये मैंने एप्लीकेशन भी रेडी कर दिया, चेक कर लीजिए। उस दिन मैं बस दो वरमालाएं और एक मिठाई का डिब्बा लेकर आऊंगा। और क्या बचा? हाँ भाई, भूल गया था, गवाह के लिए दो दोस्त बुला लेंगे। अरे तू है ना, मुझे बीच में मत डालो भैया, तुम्हारी शादी में मैं गवाह बना तो चाचा जी मुझे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं सारिका के हॉस्टल जा रहा हूँ, उसे पता चलेगा तो खुश हो जाएगी। तू चलेगा क्या? भैया मैं नहीं आ सकता, मुझे बहुत काम है भैया। बच गया भगवान। सारिका कहाँ गई है जानती हो? मैं नहीं जानती। अगर तुम्हें सारिका वापस चाहिए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कल तुम्हारे जेल में चार्ली को फांसी होने वाली है, वो नहीं होनी चाहिए। अगर चार्ली मरा तो सारिका भी मरेगी। हमारे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मत सोचो, चार्ली को बचाने का उपाय करो। कौन है तुम? छोड़ो मुझे! क्यों लाए हो मुझे यहाँ? इस लेटर के बारे में अगर किसी से जिक्र किया तो तुम्हारी सारिका जिंदा नहीं बचेगी, याद रखना। चार्ली के जेल में आने के बाद वो किस किस से मिला, मैं सब जानना चाहता हूँ। Okay, अर्जेंट। जी सर। तुझे फांसी से बचाने के लिए एक लड़की को अगवा किया गया, किसने किया है ये काम? तुझे बचाने की कोई कोशिश कर रहा है, कौन है वो? चल बैठ इधर, बैठ सर के सामने बैठ। बोलेगा नहीं बिल्कुल। ये मेरी जेल है, अंदर मैं जो भी करूं बाहर किसी को पता नहीं चलेगा। फांसी चढ़ने से पहले ही मरेगा, गोली से मार दूंगा। बोल बोल। सर मैंने पता किया है, चार्ली सिर्फ एक ही आदमी से जेल के अंदर मिला था, पांडू। पांडू तेरी मदद क्यों कर रहा है? पांडू की बात छोड़ो जेलर, तुम मेरी मदद करो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। है? तुम मुझे पैसों से खरीद नहीं पाओगे। डायमंड्स, डायमंड्स। तो तुमने उसे डायमंड्स देने का वादा किया? अबे बेवकूफ, वो डायमंड्स के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? सीधा तेरे घर जाके भी ले सकता है ना। जेलर, जेलर, मेरा लॉकर कहाँ है कोई नहीं जानता, अगर जान भी गए तो बिना मेरे फिंगरप्रिंट के खुलेगा नहीं। जिंदा रहने के लिए दांव पे जाज मारा है, तू बचेगा नहीं, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। तेरी फांसी कोई नहीं रोक सकता। ए चार्ली,
जो तुझे बचाने आएगा वो खुद अपने मौत के जाल में फंस जाएगा। जेल लिस्ट के मुताबिक पांडू के घर का पता चल गया है सर, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो पांडू को नहीं जानते, उसने शायद गलत पता दिया है सर। इसका नाम पांडू है, अभी अभी जेल से रिहा हुआ है, मुझे ये किसी भी हाल में चाहिए। हेलो। हाँ धर्मा, फांसी की तैयारी पूरी हो गई? धर्मा मैं तुम्हीं से पूछ रहा हूँ, वहाँ सब ठीक है ना? यस सर। गुड, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। ओके सर। पूरब का उगता सूरज ये रातों का राजा, सैनिक ये न्याय के लिए लड़ने वाला है ये, अन्याय न सहने वाला ये, तांडव करने वाला शिव ये, सर किसी के आगे ना झुकाए। बिजली भी गिर जाए कदम पीछे न ले गाए, साहस से हिम्मतवर है जीतेगा ये। विश्वभांड छुपा है शंकर ये, ब्रह्मांड इसी में हरी है ये, बदला रूप बना इंसान है ये, पूरब का उगता सूरज ये, रातों का राजा सैनिक ये, न्याय के लिए लड़ने वाला है ये। जिताने वाला संकल्प साधक ये, पापी को सजा देने वाला ऐसा नायक है ये, शस्त्र ना उठाए वीर अर्जुन है ये, मौत से टकराने वाला अभिमन्यु है ये, पूरब का उगता सूरज ये, रातों का राजा सैनिक ये, न्याय के लिए लड़ने वाला है ये, ऋषियाक दबाया केशव ये, दशकंठ दबाया कश्यप ये, कानून की रक्षा फर्ज इसका। सर पांडू की हर जगह तलाश की सर, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला सर, अब हम क्या करें सर? कल 6 बजे चार्ली की फांसी है, उसकी तैयारी करो। सर फिर मैडम का क्या? चार्ली को फांसी होगी। चार्ली समय हो गया, चलो आओ चलो।
चंद्रशेखर अलियास चार्ली तुम्हें आईपीसी सेक्शन 302-303 के तहत अदालत ने तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है। राष्ट्रपति ने तुम्हारी क्षमा याचना भी रद्द कर दी है। सब आदेशों का पालन करते हुए आज तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। बचाना फर्ज था, तुम जहां भी होगी ठीक होगी। हेलो सर, फांसी के खंभे में कोई प्रॉब्लम आ गई है। चार्ली की फांसी रुक गई सर। व्हाट, आखिर वहां हुआ क्या? अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आया था सर। तुम्हारा धर्म इस वक्त कहां है? जेलर साहब अंदर टेक्नीशियन से बात कर रहे हैं सर। तुम सब किसी काम के नहीं हो, मिस्टर धर्मा से कहो कि मुझसे आकर मिले। ठीक है सर। सर वो टेक्नीशियन आ गया। नमस्ते सर, ये बोल्ट इतनी जल्दी खराब नहीं होता सर। पुराना होने के कारण जाम हो गया होगा या फिर किसी ने जानबूझकर निकाल दिया होगा, इसी वजह से शटर खुला नहीं होगा। तुरंत ठीक करवा दो इसे। ठीक है, चलता हूँ सर। सर मलिक, तुम आज रिहा हो रहे हो ना? सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई? हाँ, वो सब पूरा हो गया सर। बस जाने से पहले आपसे मिलने आया था। उस दिन आपने मेरी मदद की, आपकी वजह से मेरी माँ जिंदा है। थैंक्स बोल के आपको छोटा नहीं दिखाना चाहता। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। माँ के लिए यहाँ आया था ना, बाहर जाके अच्छे काम कर, माँ खुश हो जाएगी। जरूर सर, अब चलता हूँ। बिना मुझसे परमिशन लिए डार्क सेल में किसी को आने मत देना। ठीक है सर। सर डीआईजी ने आपको बुलाया है। आपका प्लान तो लाजवाब है भाई। डर इंसान से कुछ भी करवा लेता है, पर मैं अपनी आशाओं को मरने नहीं देता। सच है भाई, उन तीनों ने अपना अपना काम किया। अगर कोई एक पीछे हट जाता तो चार्ली की मौत हो जाती। आखिर ये काम कौन करवा रहा है? वहाँ पर धर्मा को और यहाँ चार्ली को पता चले बिना बहुत अच्छा प्लान बनाया भाई। अभी बहुत कुछ करना बाकी है सुलेमान। जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, हमें संभल कर रहना होगा। पांडु कहाँ मिलेगा? नहीं जानता भाई। हमारे और उस धर्मा के बीच में वो पांडु ही कॉमन पॉइंट है। उससे कह देना कि वो ज्यादा बाहर ना घूमे। ठीक है भाई। कोई काम अगर नहीं हुआ तो उसके दो कारण होते हैं, एक काम नहीं जानना और दूसरा जानबूझकर गलती करना। इनमें से कोई एक तो सच्चाई है। ट्रायल करते वक्त काम कर रहा था सर। ये सब बेकार की बातें मत बोलो। चार्ली के मामले में मुझ पर ऊपर से बहुत दबाव आ रहा है। अब गलती किसी की भी हो सर, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ धर्मा,
तुम्हारे काम करने का ढंग मुझे पसंद नहीं। आज तक मैंने कोई गलत काम नहीं किया है सर। आज से जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा सर। स्टॉप इट धर्मा, किस कारण गलती हुई है शाम तक उसका पूरा ब्योरा मुझे अपने टेबल पर चाहिए। ओके सर। अभी चार्ली का स्टेटस कैसा है? डार्क सेल में रखा है सर। वॉच हिम केयरफुली, यू कैन लीव नाउ। ओके सर। इस आदमी को कितना घमंड है, एसपी ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। एक दिन तो बाजी मेरे हाथ लगेगी। वकील साहब, आप ठीक तो हैं? ओके सर। क्या उस फांसी को पोस्टपोन करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था? उस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर पाया, सारा डिसीजन धर्मा का था। सर, पांडू के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। वो पुराने कोठे पे बहुत जाया करता था। वहाँ सुरभि नाम की एक लड़की से बहुत मिलता था। उस लड़की को पकड़ने से सब पता चल जाएगा। हाँ? अरे कौन है आप? सीधे अंदर चले आ रहे हो? यहाँ इससे पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, 5 मिनट रुकिए, फ्रेश होके आती हूँ। ये आदमी कहाँ मिलेगा? तुम पुलिस वाले हो क्या? मैं तो इसे नहीं जानती हूँ। जी सर, दो चाय बोल। जी। hey, हाँ? वही धर्मा है ना? वही है भाई। यहां गाड़ी क्यों रोकी? एशियन टिम्बर डेपो कहां पर है? हमें नहीं पता। एशियन टिम्बर डेपो कहां? सीधे जाके लेफ्ट में जाइए, वहीं पे होगा। थैंक यू। hey, पांडू कहां है? डेपो में ही है। उसे तुरंत फोन करो। ओके। अरे क्या हो गया? कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है। हेलो 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 पांडू। हेलो, वो धर्मा तुम्हें ढूंढते हुए आ रहा है, तुम वहां से जल्दी निकल जाओ। हेलो पांडू। हेलो टाइगर, सुनाई नहीं दे रहा है। पांडू एक मिनट रुको, मैं बाहर आता हूँ। पांडू तुम बाहर मत आना, बाहर मत आना, मेरी बात ध्यान से सुनो, वहीं रुको। हेलो पांडू। पांडू, अरे धर्मा वहीं पहुंचा है रे। हेलो पांडू। अरे सुनो, अरे क्या सुनो? एक आदमी मेरे पीछे आ रहा है, उसे संभालो। कौन चाहिए बे? पांडू कहाँ है भाई? कौन? हमारा पांडू? क्या क्यों बे, पांडू अंदर आया है क्या? नहीं है भाई। नहीं आया है तो अभी अभी अंदर आया है। क्यों बे, पांडू अंदर है क्या? कहा ना नहीं है। देखो मुझे पांडू चाहिए। तुम हमारी बात नहीं समझोगे, काम की बात करते हैं। पांडू तुम्हें नहीं मिलेगा, हम मिलने भी नहीं देंगे। मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो करके रहूंगा, उसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए। भाई हमारे कंपाउंड में आकर हमें ही धमका रहे हो। कंपाउंड वंपाउंड सब मैं नहीं जानता, मुझे जो चाहिए मैं लेके रहूंगा। तुम उसका पता बताओगे या मैं खुद उसे ढूंढ लूं? अरे साहब कोई ढूंढने आए हैं, चलो दिखाते हैं। हिम्मत है तो पास आओ, डरने वाले बाहर जाओ, इसके आगे तुम्हारी मर्जी। हे
कहाँ है? उसका तेरे साथ क्या संबंध है? वो यहाँ दारू पीने आता है, इतना ही जानता हूँ, और उसके बारे में कुछ नहीं पता। अभी वो कहाँ है? गोडाउन में छुपा हुआ है। धर्मा मुझे ढूंढते हुए आया, यहाँ से भागते हैं, जल्दी चलो। जानता हूँ मैं मजबूर हूँ पांडू। वो धर्मा तुम्हारे बारे में जान गया है, वो तुमसे सच उगलवा लेगा। तुम्हारे मरने से हमें दो फायदे होंगे। पहला, तेरे मरने से उस धर्मा का हम तक पहुँचने का लिंक खत्म हो जाएगा। तू मर जा वरना हम लोग भी फंस जाएंगे, लेकिन अब कुछ नहीं होगा। दूसरा, तुझे मिलने वाला हिस्सा भी हमारा हो जाएगा। पांडो, पांडो, उठ जा पांडो, हे पांडो, पांडो। कदम रुक गया है, अगला कदम कैसे डालेगा? कदम कदम बढ़ते हुए यहाँ तक आया। कदम रुक गया है, अगला कदम कैसे डालेगा? मगरमच्छ की तरह इंसान एक दूसरे को ख़त्म करने की सोचता है तो कदम रुक गया है, आगे का कदम कैसे डालेगा? जनता जंगल में फंसकर अन्याय का अंतिम संस्कार करते हुए दुख भरे दिल से कुछ न कर पाते हुए कदम रुक गया है, आगे कदम कैसे डालेगा? भैया मैं संध्या न्यूज का जर्नलिस्ट हूँ, इवनिंग एडिशन ज्यादा लिखता हूँ, मेरा नाम गोवर्धन है। बोलो, चार्ली को कब फांसी दे रहे हैं आप लोग? जाओ यहाँ से। भैया भैया प्लीज बताओ ना, तुम्हारा बहुत पुण्य होगा। पुण्य मुझे नहीं चाहिए, बोनी कर, हाथ में खुजली हो रही है। भाई मेरा एक डाउट है, जब मेहनत की कमाई लोग हजम नहीं कर पाते हैं और यहाँ आप सीधे रिश्वत मांग रहे हैं, आपको हजम होगा क्या? जिसको देखो हमारी ही बुराई करता रहता है। एक खबर के लिए भी रिश्वत मांग रहे हैं? तुम अपने न्यूज पेपर फ्री में बांटते हो क्या? बोलो। करेक्ट, ये रख लो। हाँ? ये मेरा कार्ड है, चार्ली के बारे में कोई भी खबर हो तो मुझे बता। चार्ली की फांसी के बारे में मैं तुम्हें खबर देता रहूंगा, लेकिन मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। अरे आपका नाम क्यों आएगा? हाँ? सर उसके लिए एक आदमी है, उसके नाम से डाल दूंगा। बाय। हाँ? मेरी गर्लफ्रेंड वेट कर रही है। कैसे हो धर्मा? वैसे सारिका के बिना कैसे ठीक रह सकते हो? कौन हो तुम? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? सारिका कहाँ है? क्या नाम है तेरा? शांत धर्मा, शांत हो जा। पांडू को मैं हमेशा समझाता रहा कि वो ज्यादा बाहर ना घूमे, लेकिन वो माना ही नहीं। मेरी बात ना मान के वो मर गया। अगर तुम भी मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं सारिका को मार दूंगा। है? कौन है बे तू? पर्दे के पीछे छुप के लड़की को बीच में रख के खेलना ठीक नहीं है। तुम मर्द है तो सामने आकर जीत कर दिखा। इतना गुस्सा ठीक नहीं धर्मा। ए, जब समस्या मेरी नहीं होती तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, और ये समस्या तो मेरी है। सारिका को बचाने के लिए मेरी बात मान लो ना। जरूरत पड़े तो कुछ भी कर सकता हूँ। एक और बात याद रखना, मेरा टाइमिंग धोखा नहीं देता। तेरे समझने से पहले सब खत्म हो जाएगा। मतलब तेरे डराने से मैं डर जाऊंगा क्या? तू ही नहीं, तेरे पूरे गैंग को खत्म कर दूंगा मैं। क्या कर लेगा तू? मेरे डिसीजंस तुझे बहुत भारी पड़ेंगे। सुनो धर्मा,
तेरे जैसे कितनों को मैं हर रोज देखता हूँ। ए, तू रोज बहुतों को देखता होगा, लेकिन मरने से पहले सिर्फ मेरा चेहरा देखेगा। आखिर तू समझता क्या है? एक बात जान ले, तू मेरे बारे में नहीं जानता। तुझे मारकर तेरे बारे में विस्तार से जान लूंगा मैं। धर्मा, बेकार की बातें छोड़ो, अब काम की बात करते हैं। चार्ली को मुझे सौंप दो और सारिका को ले जाओ। ए, चार्ली की बात छोड़ दे, सारिका को चुपचाप मेरे हवाले कर दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। यानी तू मेरी बात नहीं मानेगा? आखिरी बार मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ। मुझे चार्ली चाहिए, क्या करना है अब तुम्हें डिसाइड करो। ए, मेरी बात सुन। हर आदमी किसी न किसी के आगे झुकता है, लेकिन ये उनमें से नहीं है। सिम कार्ड निकाल के फेंक दो, उसे 2 दिन का टाइम दिया है, उसके बाद क्या करना है ये मैं सोचूंगा। चाचा जी रुकिए ना। चाचा ए, मेरी बेटी कहाँ है? अरे 4 दिनों से मेरी बेटी सारिका गायब है, मोबाइल भी काम नहीं कर रहा है। चाचा प्लीज, चाचा मेरी बात तो सुनिए। चाचा क्यों सुनूं तेरी बात? इसने सारिका के लिए मुझे वार्निंग दिया था, मुझे पता है, इसी ने सारिका को कहीं छुपाया है। मेरी बात तो सुनिए सर, सारिका मेरे पास है, लेकिन सारिका को आपके पास सौंपने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझ पर भरोसा रखिए, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बारे में सोचकर आप इस वक्त बहुत डर रहे हैं, यह मैं समझ सकता हूं सर। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सर, मेरा वादा है मैं आपकी बेटी को वापस ले आऊंगा, ट्रस्ट मी सर। मैं तुम्हें फिर बाद में बुलाऊंगा। जाओ। ओके सर, मैं वेट करता हूं। मॉर्निंग की मीटिंग अटेंड करके आ रहा हूं। चार्ली की फांसी दोबारा फेल होने के कारण सब लोग बहुत परेशान हैं। तुम्हें जेल ऑपरेशन से मैं इमीडिएटली ट्रांसफर कर रहा हूं।
आज से तुम्हें जेल जाने की जरूरत नहीं है, बस यही मेरे ऑफिस में मेरे अंडर काम करना पड़ेगा। सर आज से चार्ली का मैटर मैं खुद डील करूंगा। सर चार्ली का मैटर मैं हैंडल करूंगा सर। नहीं धर्मा, तुम चार्ली के बारे में भूल जाओ, आज से उस जेल पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। मैंने वैजाग सेंट्रल जेल के एसपी से सुबह बात की है, कल सुबह चार्ली को शिफ्ट कर रहे हैं वहां हम लोग। तुम आज से अपने नए पोस्ट को ज्वाइन कर लो। धर्मा सर, चार्ली की शिफ्टिंग एक सीक्रेट ऑपरेशन है, उसे कॉन्फिडेंशियल रखना होगा तुम्हें। ओके सर। भाई साहब क्या है भाई, आज के अखबार का फ्रंट पेज पूरा खाली है, कोई मैटर नहीं है, क्या करूं? ये जो आर्टिकल है इसी को बड़ा करके छाप दे, देख कहीं भी खाली जगह मत छोड़ना, चल जा अभी। ठीक है। किसी छोटे पेपर का जर्नलिस्ट होने से अच्छा है कि किसी बड़े पेपर में बॉय बन जाऊं। अरे इतनी रात को कौन है? हेलो संध्या न्यूज। अरे भाई एक मिनट, प्रिंटिंग अभी बंद कर दे, फ्रंट पेज का मैटर मिल गया है। ये देखो, चार्ली को वैजाग सेंट्रल जेल भेजने वाली खबर सही है भाई। शिट। टाइगर, धर्मा को फोन करो। भाई मेरी बात पर जरा गौर फरमाइए, इस वक्त धर्मा को कॉल करना अच्छा नहीं है, कैदी को जेल के अंदर से छुड़ाने की बजाय बाहर से छुड़ाना हमारे लिए आसान होगा। चार्ली को शिफ्ट करते वक्त उन पर अटैक करके छुड़ा लेंगे। भाई ये खुशखबरी है, धर्मा का सेंट्रल जेल से ट्रांसफर हो गया है, अब चार्ली धर्मा के कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारा काम हो जाए तो सारिका की भी खबर लेंगे। आप हमारी बात पर गौर कीजिए भाई। सर चार्ली को वैजाग शिफ्ट कर रहे हो ना? यस सर। सीताराम, चार्ली मामूली आदमी नहीं है, बहुत चालाक आदमी है, अगर छोटी सी भी गलती हुई तो वो उसका बड़ा फायदा उठा लेगा। डोंट वरी सर, चार्ली का शिफ्टिंग सोच समझ के प्लान किया है, पर्सनल एस्कॉर्ट में मैं ही जाऊंगा सर। वेरी गुड, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है, इसीलिए चार्ली का जिम्मा मैंने तुम्हें सौंपा है। देखो काम खत्म होते ही मुझे फोन करना, फिर से कह रहा हूँ चार्ली से संभल के। श्योर सर। किसी भी हाल में कल हमारा प्लान मिस नहीं होना चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनो, चार्ली को किसी को बताए बिना वो लोग सीक्रेटली जेल से कहीं बाहर ले जाएंगे। और इस तरह हम लोग चार्ली को बचाकर उसके लॉकर की जगह पर ले जाएंगे, वहां अपने हिस्से के डायमंड्स लेकर सब आधे घंटे के अंदर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। कुछ दिनों तक हम लोग एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। टाइगर अपने सभी आदमियों को बुला लो, उन्हें जो चाहिए वो सब दो, क्योंकि कल का दिन हमारे लिए बहुत खास है। ये प्लान बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन आखिर में एक चेंज है। चार्ली को वहां ले जाने के बाद हम अपना हिस्सा बांट लेंगे, लेकिन एक और बात चार्ली के बारे में, चार्ली फांसी से तो बच जाएगा लेकिन हमारे हाथों नहीं बचेगा, उसे मरना होगा। एंजॉय, फिर मिलेंगे। चार्ली को मैं खत्म कर दूंगा, उसका हिस्सा भी हमारा होगा। जब मौका है तो उसका फायदा हम क्यों नहीं उठाएं? हमें भी तो ऐश करना है।
चलो चलो जल्दी चलो। इसको पकड़। जल्दी चलो भाई, तुम इसे लेकर इस तरफ जाओ, जल्दी जाओ, जाओ तुम लोग इस तरफ जाओ, इस तरफ जल्दी करो, चलो। सर और फोर्स मंगानी पड़ेगी, ये सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है सर, कॉल कीजिए सर। चार्ली को लेकर गाड़ी के पास पहुंचो, मैं आता हूं। ओके भाई, चलो चलो जल्दी करो। अरे चलो 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 चलो, अरे चलो चलो जल्दी, चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। अरे ये तो बहुत पास आ गए, चलो भागो। सारिका कहाँ है? ए, इधर आ, इधर आ। सारिका चाहिए ना? चला जा, आ जा, आ। अरे आना, सारिका चाहिए ना, आ जा आ जा आ जा। यहां छुपते हैं। सारिका कहाँ है? कहाँ है सारिका? रामपुर संध्या थिएटर। ए, तू जाकर भाई को बचा। हाँ भाई। चार्ली भाई, क्या हुआ भाई? चार्ली हमसे ज्यादा होशियार निकला। चार्ली को मैं खत्म कर दूंगा, उसका हिस्सा भी हमारा होगा, हमें भी तो ऐश करना है। धर्मा प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैंने सरेंडर कर दिया, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो प्लीज धर्मा। हेलो सर। हेलो सीताराम, व्हाट्स गोइंग ऑन? मैंने जो सुना है वो सच है क्या? हाँ सर, हमारे व्हीकल पर अटैक हुआ है सर, चार्ली यहाँ से भाग गया है।
और उसे भागे ज्यादा समय नहीं हुआ है सर। वो जितना भी भागे 40 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही होगा सर। इमीडिएटली सारे पुलिस स्टेशन में खबर भेज दीजिए सर, पूरे शहर में हाई अलर्ट कर दीजिए। इट्स रेडिकुलस, इतनी टाइट सिक्योरिटी में चार्ली तुम लोगों से बचकर कैसे भाग गया? सर वो पूरा प्लान करके ही आए थे, सही वक्त पे धर्मा ने आके हमें बचा लिया। उस फायरिंग में उसके सारे के सारे आदमी मारे गए सर। धर्मा, धर्मा उस वक्त वार पर क्यों आया था? पता नहीं सर। आदव सर, सारिका को घर ले जाओ। ओके सर। नहीं, जाओ डरो मत। चलिए मैडम। और फिर तुम? मैं बचा हुआ काम पूरा करके आता हूँ, तुम जाओ। आइए मैडम, आइए ना। मैडम बिजली का बिल लेकर आया हूँ। मैडम दरवाजा खोलिए। मैडम बिजली का बिल। गुड आफ्टरनून सर। चार्ली भाग गया है, स्टेट में पूरा हाई अलर्ट कर दिया गया है। तुमने जैसे बताया था वो जरूर प्लान कर रहा होगा दुबई भागने के लिए अकेले। क्यों, तुम्हें दुख हो रहा है क्या? वो तुम्हें अकेले छोड़कर जा रहा है? उसे सिर्फ अपनी जान प्यारी है और कोई नहीं। तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूं सायरा, तुम अगर मेरी मदद करोगी तो तुम्हें जेल से बाहर भेज दूंगा। अच्छी तरह से सोच लो, यहीं पर रहोगी या फिर बाहर जाकर अपनी लाइफ जियोगी? मुझे क्या करना होगा? चार्ली अपने डायमंड्स कलेक्ट करने के लिए वो लॉकर खोलने के लिए जरूर जाएगा। वो लॉकर कहां पर है? चार्ली का आउटस्कर्ट्स में एक सीक्रेट गेस्ट हाउस है, उसका लॉकर वहीं होगा। सर मैं यहां गेस्ट हाउस से लक्ष्मण बोल रहा हूं। चार्ली का गेस्ट हाउस चेक कर रहे हैं हम यहां। यहां पर उसका लॉकर खुला हुआ है सर, लगता है वो यहां से सब कुछ लेके चला गया। फिंगरप्रिंट चेक करके देखा हमने, वो मैच हो रहा है सर। आर यू श्योर? यस सर। तुमने जो चार्ली का एड्रेस दिया था, मेरे आदमियों के पहुंचने से पहले वो लॉकर खाली करके भाग गया। धर्मा, कल चार्ली का वहां से भाग जाना और स्पॉट पर मारे गए लोगों के बारे में इंक्वायरी बैठाई गई है। तुमसे एक सवाल पूछता हूं, कल स्पॉट पर जो लोग मारे गए उन्हें देखकर मेरे दिमाग में एक डाउट आया है। तुम्हें उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करके तुमने उन्हें मार डाला, ऐसा क्यों किया? धर्मा, मेरे इस सवाल का जवाब तुम मुझे दो या न दो, लेकिन कमेटी को जवाब देना पड़ेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नेम धर्म तेजा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग July 25, 2009, 6 years एक्सपीरियंस, वो ट्रांसफर। कहीं पर भी 2 साल से ज्यादा काम नहीं कर पाए। कल चार्ली जिस स्पॉट से मिस हुआ, उस वक्त आप वहां क्या कर रहे थे? आउटस्कर्ट्स में काम से गया था। इनमें से किसी को आपने देखा है क्या? नहीं सर। कौन हो सकते हैं ये लोग? चार्ली के आदमी हो सकते हैं। चार्ली के ही आदमी हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं? चार्ली को बचाने की कोशिश तो उसके ही आदमी करेंगे। आप उन्हें वहाँ अरेस्ट भी तो कर सकते थे, लेकिन शूट करके मार क्यों डाला? वहाँ पर जितने भी आदमी मरे हैं सब शातिर गुनहगार थे। चाहे तो चेक कर लीजिए, वो कानून को नहीं मिलेंगे।
मिलेंगे तो भी उन्हें सजा नहीं मिलेगी, बच जाएंगे सबके सब। आप एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की तरह जवाब नहीं दे रहे हैं। मिस्टर धरवा, आप बताएंगे कि चार्ली के भाग जाने में किसकी गलती हो सकती है? उसके भाग जाने के बाद ये सब सोच के फायदा क्या? आप रूल्स के खिलाफ जा रहे हैं, मानते हैं क्या? मानता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने कोई गलती नहीं की। मैं बुराई सह नहीं सकता। सुना है आपके डिपार्टमेंट में आपको राक्षस बुलाते हैं, क्या ये सच है? आपके सारे सवाल खत्म हो गए हैं सर। मिस्टर धर्मा, चार्ली मेसुआ उस स्पॉट में बिना परमिशन आपने वेपन्स यूज किए और आप उन्हें अरेस्ट कर सकते थे, फिर भी आपने उन्हें मार डाला, इसलिए हम आपको सस्पेंड करते हैं। यू आर सस्पेंडेड अंटिल आवर फादर ऑर्डर्स। सस्पेंड करना है तो कर दीजिए, लेकिन चार्ली जैसे क्रिमिनल को पकड़ने के बाद जेल में उसके मेहमान नवाजी मत कीजिए। रूल्स को थोड़ा साइड में रख के गोली से उड़ा दीजिए। चार्ली के केस को डिपार्टमेंट संभाल लेगा, यू कैन लीव नाउ। मैं सोचती थी मेरा होने वाला पति एक सिंसियर जेलर है, ये नहीं सोचा था कि वो एक सस्पेंडेड जेलर भी होगा। माँ और पिताजी मुझे देख के बहुत खुश हो जाएंगे। क्या है, इतने डल क्यों हो? सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? नहीं, थोड़ा और बाकी है। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? अभी बताता हूँ। मुझे अकेले छोड़ के कहाँ जा रहे हो? कार में ही बैठे रहना, बाहर मत आना। धर्मा, स्टेट गवर्नमेंट चार्ली को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमें चार्ली का पता जो भी बताएगा, हम उसे 5,00,000 रुपए इनाम में देंगे। बहुत जल्द हम चार्ली को पकड़ लेंगे। जान जाने के लिए बदन से 3 लीटर खून बहना चाहिए। तेरा अभी इतना नहीं बहा है। तुझे बिना मारे मैंने यहाँ क्यों रखा यही सोच रहा होगा ना? तुमने जो जगह बताई वहाँ सारी का है या नहीं कंफर्म करे बिना कैसे मार सकता हूँ तुझे? धर्मा, पानी, बहुत प्यास लगी है, पानी, पानी। गलती की है मैंने धर्मा, डायमंड्स की लालच में गलती की, मुझे छोड़ दो। कोई भी लालच में आए या गलती करे, धर्मा कभी गलती नहीं करता और करने भी नहीं देता। धर्मा, तुम्हें जो भी चाहिए वो दूंगा मैं, प्लीज छोड़ दो। छोड़ूंगा नहीं, सिर्फ तुझे ही नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं डेंजरस ऑफिसर हूं। तुझे एक शॉकिंग न्यूज देता हूं, मैंने उस चार्ली को भी नहीं छोड़ा, वहीं पर उसे मार डाला। उस दिन शेड्यूल के मुताबिक चार्ली को फांसी दे दी गई। चार्ली के मरने के बाद मैजिस्ट्रेट और वीरा कुछ छुपा नहीं पाए, मुझे सब बता दिया कि तुम लोगों ने उन्हें कैसे ट्रैप किया। मैंने उनसे बात की, चार्ली के मरने की खबर बाहर नहीं आने दी, टेक्निकल रीजन बता दिया। और जो वैजाग शिफ्ट कर रहे थे, उसी दिन रिलीज हुए मलिक को चार्ली के डार्क सेल में डाल दिया गया था। हाँ? मलिक, मेरी एक मदद करोगे? बोलिए ना सर।
डीआईजी ने मरे हुए चार्ली को वाइजैक शिफ्ट करने को बोला। जो मर गया उसे कहां शिफ्ट करूंगा? इसीलिए मैंने और सीताराम ने यह प्लान बनाया। संध्या न्यूज़पेपर में खबर भी मैंने ही भेजी थी। हेलो संध्या न्यूज़, बोलिए। फांसी से बच गए चार्ली को वाइजैक शिफ्ट कर रहे हैं। अरे भाई एक मिनट, प्रिंटिंग अभी रोक दो। न्यूज़ मिलने पर तो चुप नहीं रहेगा, अटैक तो करेगा ही। तूने किया? पकड़ा गया। हमने सबको बताया कि चार्ली भाग गया। What's going on? हमारी व्हीकल पर अटैक हुआ है सर। चार्ली यहाँ से भाग गया है। इमीडिएटली सारे पुलिस स्टेशन में खबर भेज दीजिए सर। सारिका को बचा लिया और साथ में वीरा की माँ को भी, मैजिस्ट्रेट के बेटे को वापस ले आया। मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए मैंने। फिर चार्ली के डायमंड्स का क्या हुआ? जिस जगह की कीमत न हो वहां कीमती चीजों की क्या जरूरत। इसीलिए सायरा से बात करके चार्ली के लॉकर का एड्रेस जान लिया। उसके बाद मरे हुए चार्ली का हाथ कटवाया। पुलिस के आने से पहले चार्ली के फिंगरप्रिंट से चार्ली का लॉकर पूरा खाली कर दिया। तेरा क्रिमिनल ब्रेन जब इतना तेज काम करता है तो पुलिस वाले का ब्रेन कितना तेज होना चाहिए। मेरा बस एक ही सिद्धांत है, जो गलती करता है उसे सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारी गलतियां माफी के लायक नहीं। मेरी नजर में तुम सब जीने के लायक ही नहीं हो, तभी सजा दी है। तू शायद जानता ही होगा, मौत की सजा तीन तरह की होती है। पहली फांसी की सजा, दूसरी रोड पे गोली चला के कुत्तों की मौत मारना, तीसरी मारने का तरीका न बताते हुए साइलेंटली मार देना। मैंने बताया था ना, मेरा टाइमिंग बिल्कुल अलग है। मेरा टाइमिंग बिल्कुल अलग है, तेरे समझने से पहले सब खत्म हो जाएगा। हेलो धर्मा, बड़े दिनों बाद मुझे छुट्टी मिली है। सब ठीक तो है ना? सब ओके सर। चार्ली की बॉडी का तुमने क्या किया? आउटस्कर्ट्स में जला दिया सर। डीआईजी को तुम पर कोई शक तो नहीं हुआ ना? गिड्डा बहुत होशियार है सर, लेकिन हम जरा ज्यादा होशियार निकले। सब हमारे प्लान के मुताबिक हुआ। सारिका कैसी है? क्या हुआ? सेट हो गई सर, अब उसी के घर जा रहे हैं। गुड धर्मा, तुम्हारे इस कदम से सारिका की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी ये सोच के डर रहा था। धर्मा, डायमंड्स का क्या किया तुमने? इस बैग में डायमंड्स, गोल्ड बिस्किट्स और कैश है। ये आपके अपनों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन आपने जो ट्रस्ट शुरू किया है उसके काम आएंगे। जीत हार के हर खेल में हर पल तड़पते हुए नरक देखने वाले हर एक के काम आएंगे। ये डायमंड्स, गोल्ड बिस्किट, कैश, सब कुछ उस चार्ली का है जो आपका बेटा होते हुए भी कभी आपका बेटा नहीं हो पाया। उसने जो आपके साथ अन्याय किया है उसके लिए दोषी बन के मर चुका है। बाहर दुनिया के लिए चार्ली भाग गया है और जिंदा है, ये एक झूठ है, सच सिर्फ आप ही जानती हैं।
आखिर में न्याय की जीत होगी, होनी चाहिए। मेरे बारे में जानने की कोशिश मत कीजिए, हम कभी मिले नहीं। अनंत है ये, अनंत है ये, सब की बुनियाद है ये, पाप की सजा है ये, न्याय के लिए रक्षा है ये, रास्ता न जानने वाली दीक्षा है ये, सर न झुकाने वाली दक्षता है ये, इतिहास का कोई भी पन्ना खोलो तो सर न झुकाने वाली दीक्षा है ये, धर्म है ये, धर्म है ये, सब की बुनियाद है ये, अनंत है ये, अनंत है ये, सब की बुनियाद है ये। बाप रे, पूरा टाइप कर दिया। तुम्हारे जेल सुपरिंटेंडेंट साहब का फोन आया था, उन्होंने नेल्लोर जेल सुपरिंटेंडेंट का चार्ज संभाल लिया है, तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल करवा के तुम्हारी पोस्टिंग भी वहाँ करवा दी। नेक्स्ट वीक तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा है उन्होंने। वैसे तुम्हारी लास्ट कविता भी पूरी हो गई, तो अब अपनी बुक का नाम क्या रखोगे? मेरे एटीट्यूड की वजह से सभी मुझे राक्षस कह के बुलाते हैं, उसी की याद में ये नाम रखूंगा मैं। क्या नाम? असुर। युद्ध कर ले तू वीर है, असुरा असुरा हिम्मत तुझ में ही बसी वीरा, असुरा असुरा मार पापियों को भगाया, मार दुष्टों को तूने भगाया, तुझसे जो टकराया उनको मार मार के तूने भगाया, न्याय के खातिर लड़ने वाला जुल्मों का अंत करने वाला, चोर डाकुओं का विनाशी हिम्मत वीर है। युद्ध कर